वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आपको एक पुरानी बातचीत यानी कि यादों को शेयर करना चाहते हैं। अभी अभी हम यहाँ पर आए हुए थे, तब हमने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दें। जो आप ये सब देख रहे हैं, वैसे तो काफ़ी लोग पहचान रहे होंगे ये किस चीज़ का पेड़ दिख रहा है आपको। जो लोग नहीं पहचान रहे हैं उनको बता दें, ये बेर का पेड़ है, जिसे देसी भाषा में बैर बोलते हैं, है ना। तो इन सब का जो रिलेशन है वो बहुत पुराना है। हम आपको दिखाते हैं, कुछ आज से लगभग 10 साल पहले की बात है, जब हम लोग 7 या 8 में पढ़ा करते थे। उस समय जब दोपहर में लंच होता है, तो उस लंच के टाइम में हम लोग यहाँ आया करते थे, और आया ही नहीं करते थे, यहाँ पर खेल कूद के साथ और भी बहुत से प्रोग्राम होते थे। जो आज आप ये झाड़ियाँ देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ अजीब नज़ारा हुआ करता था। और ये छोटे छोटे जो बेर के फल इसमें लगे हुए हैं, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा फ़िलहाल, अभी हम आपको दिखाएंगे। ये बहुत ही अच्छे लगते थे एक प्रकार से। जो इसमें मज़ा होता था वो जो बाज़ार में मिलने वाली बेर होती है, शायद उसमें नहीं होता है। और समय के साथ साथ सब कुछ बदलता गया। आज यहाँ पर काफ़ी झाड़ियाँ वगैरह आपको नज़र आ रही हैं, और बहुत सारे खरपतवार भी उग गए। देख रेख के अभाव में बदलती ज़िंदगी के चलते आप लोग देख रहे होंगे, काफ़ी कुछ यहाँ पर बदलाव की ज़रूरत हो चुकी है। बस हमने सोचा कि आप लोगों को भी कुछ मेमोरी शेयर कर देते हैं, और अच्छा भी लगता है। पहले यहाँ और भी बहुत सारे पेड़ थे, जो कि लोगों ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से प्रयोग कर लिए, और अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है। आप लोग भी ऐसे कुछ याद करते होंगे अपने बचपन की कुछ बातों को, है ना। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, एक छोटी सी याद के रूप में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग भी कुछ ऐसा शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हम उसे चैनल पर पब्लिश करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं PBR स्टडी ब्लॉग। PBR स्टडी जो आपका ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, वो एक दूसरा चैनल है, PBR स्टडी ब्लॉग दूसरा है। इस तरह की और भी जानकारी को पाते रहने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप PBR स्टडी फैमिली से जुड़ी हुई इन सभी बातों को, इस तरह के वीडियोज को देख सकें। इस छोटे से वीडियो में बस ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग इतना सपोर्ट करके और आज PBR स्टडी फैमिली को 50,000 तक पहुंचा दिए हैं। अब इसे लाखों तक पहुंचाने की अगली उम्मीद आपसे करते हैं। और हाँ, इसके साथ साथ PBR स्टडी ब्लॉग्स को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप कुछ अटपटे और कुछ रोचक तथ्यों से अपडेट होते रहें। कहते हैं ना, अगर एक पेड़ को काटना है और 10 मिनट का आपको टाइम मिलता है, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसमें 10 मिनट लगे रहें। उसके पीछे आप मात्र 5 मिनट या 7 मिनट काम करें, बाकी के 3 मिनट या 5 मिनट जो बचता है, उसमें उस कुल्हाड़ी की धार को तेज कर लें। इससे आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, और उस पेड़ को काटने में आसानी भी होगी, साथ ही साथ कुछ ज़्यादा अच्छा अनुभव होगा। तो उसी तरह से पढ़ाई हो या कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसमें लगे रहते हैं, कहते ना वो बैल का कोल्हू, तो बैल का कोल्हू बनने से भाई कुछ नहीं होता है। ज़रूरी नहीं कि आप 24 घंटे पढ़ते रहें, बस जितना देर पढ़ें उतना देर तन मन धन सब कुछ उसी में हो। बस
कुछ ऐसे अनुभव से हमने सीखा हुआ है जो कि आज आप लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ही अच्छा फील होता है। तो अपने विचारों को ज़रूर कमेंट करें इस वीडियो में, बस इतना ही, और अपने दोस्तों में अवश्य इसे शेयर करें। थैंक यू।